Hi students, how are you? A very warm welcome to you all to this chemistry session. Myself, Vinita from Catch 25 Science Academy. So let's continue with solution chapter. In this video, I'm going to take elevation in boiling point and depression in freezing point. So the viewers who are watching my video for first time, if you have not subscribed our channel Catch 25 Science Academy, please subscribe it so that tum log ko time to time new videos ka notification milta rahega. Okay. So in this video, we are going to solve MCQs only. But before solving MCQs, I'll explain the elevation in boiling point and depression in freezing point in short. Okay, all of you. So let's start with boiling point elevation. Now, what do you mean by boiling point elevation? Boiling point elevation is the one of the colligative property. In previous video, we have already studied what is colligative property. So suppose like yahan pe maine do beakers liye hai. I have two beakers. In this beaker, I have water. And this is another beaker. Iske andar, there is water. And there is non-volatile solute. We can take it sugar. Now, iska jo water ka jo boiling point hota hai at 1 atmosphere pressure is 100 degrees Celsius. ठीक है? But ये जो solution है, sugar is non-volatile in nature, means bonds are very stronger. तो इसका boiling point will become more than 100 degrees Celsius. And 100 से क्या हुआ, प्योर सॉल्वेंट के अंदर 100 डिग्री सेल्सियस है बॉइलिंग पॉइंट, बट जब भी हम लोग ने उसके अंदर वी हैव एडेड शुगर इन इट, बॉइलिंग पॉइंट हैज इंक्रीज्ड, इट हैज बीन मोर देन 100. सो बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, एलिवेट हुआ, बॉइलिंग पॉइंट हैज बीन एलिवेटेड एंड दैट इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. सो वेन एवर वी एड सल्यूट, नॉन वोलेटाइल सल्यूट इन अ सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है एंड दैट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन. तो अभी यहाँ पे मैं ना ये 100 डिग्री सेल्सियस को टीबी नॉट बोलती हूँ. नॉट वील यूज वेन एवर वी हैव प्योर सॉल्वेंट. जैसे लास्ट टाइम भी हम लोग ने वेपर प्रेशर में पी नॉट यूज किया था, P1 नॉट. वाई नॉट, दैट वॉज फॉर प्योर वॉटर का वेपर प्रेशर था. एंड सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सल्यूशन इज टीबी. ठीक है, सो व्हाट इज दिस टीबी नॉट इज व्हाट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड टीबी इज व्हाट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. तो अभी मुझे फाइंड करना है कितना चेंज हुआ शुगर ऐड करने के बाद वाटर में, बॉइलिंग पॉइंट कितना चेंज हुआ. तो मैं क्या करूंगी, व्हाट आई विल डू, I'll just minus ना, मैं क्या करूंगी 100 minus more than 100 जो भी value है. So what I will do, TB minus TB not. अब ये ऐसा नहीं कर सकते हैं हम लोग, that is because TB not is less than TB. तो इसीलिए मैंने TB minus TB not लिख लिया है and that is equal to TB. So this TB is what, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, नाउ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी. नाउ व्हाट इज मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन निकल के इक्वल टू का साइन आएगा, तो देयर विल बी सम कॉन्स्टेंट एंड वो कॉन्स्टेंट क्या है, केबी इन टू एम. What is this KB? Molal elevation constant. या फिर इसको इब्यूलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, इब्यूलोस्कोपिक, इब्यूलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट. ओके, नाउ
मैं थोड़ा क्या करती हूँ, मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखती हूँ. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट एंड इट शुड बी इन केजी. सो सल्यूट यानी क्या होता है, टू. सल्यूट को हम लोग टू से डिनोट करते हैं, मास अपॉन मोलार मास. एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इज डिनोटेड बाय वन, सो डब्ल्यू वन. अगर ये केजी में रहेगा तो इतना ही आएगा फॉर्मूला, बट इफ इट विल बी इन ग्राम सो मैं क्या करूंगी, 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी. ओके, सो मैं पूरा फॉर्मूला लिख देती हूँ. डेल्टा टी बी दैट इज इक्वल टू के बी इन टू डब्ल्यू टू एम टू इन टू डब्ल्यू वन इन टू 1000. सो दिस आर योर फॉर्मूलाज विच यू हैव टू मेक अ नोट. इसके ऊपर तुम लोग को न्यूमरिकल टाइप के एमसीक्यूज आ सकते हैं. नाउ इन दिस केस अगर मोलैलिटी वन हो जाता है तो इब्युलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. ओके, सो ऑल ऑफ यू नाउ वॉट इज द यूनिट ऑफ के बी. के बी इज वॉट, डेल्टा टी बी अपॉन एम. So temperature is in Kelvin and molality is what, mole per kg. So इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, Kelvin kg per mole. So this is the unit of ebullioscopic constant. ठीक है, so अभी हम लोग क्या करते हैं, boiling point elevations के MCQ solve करते हैं. Okay, so here is your first MCQ. क्या बोला है क्वेश्चन में, द राइज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.8 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट इज 0.1. द मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ अ लिक्विड इज. सो मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, के बी. इट इज के बी. This is KB. So formula लिख लेती हूँ मैं. Delta TB is equal to KB into M. Now KB will be what? Delta. Now they are rise. जो increase हुआ है boiling point में वो कितना है, 0.1 है. So this is 0.1. Molality is W2 अपॉन एम टू इन टू डब्ल्यू वन. सो ये क्या हो जाएगा, 0.1. एम टू एंड डब्ल्यू वन क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा. तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ग्लूकोज इज 180 एंड डब्ल्यू वन इज 100 ग्राम्स में है. दिस इज इन ग्राम सो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अपॉन डब्ल्यू टू कितना है, 1.8 into 1000. So all of you do this calculations fast. एकदम easy है, इसमें कुछ भी calculate नहीं करना है, सिर्फ points को adjust करो. So ये कितना हो जाएगा, 18 upon 18. So it will come 1. ये 18 है, हाँ. This is 18. 1.8 into 10 is 18. So, ये क्या हो जाएगा, 1 और यूनिट क्या होगा, दिस इज केल्विन एंड मोलालिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम. सो इट इज सी, ऑप्शन इज सी. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल ऑफ यू क्वेश्चन रीड करो सबसे पहले केयरफुली एंड ट्राई टू एक्सट्रैक्ट द गिवन डेटा. इफ 0.15 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 15 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट इज बॉइल्ड एट अ टेम्परेचर हायर बाय 0.216. सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डेल्टा टी बी दिया हुआ है, डब्ल्यू टू दिया हुआ है. दिस इज डब्ल्यू टू, दिस इज मास ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू वन एंड दिस इज डेल्टा टी बी. At then that of pure solvent molecular weight means मुझे क्या calculate करना है, m2 calculate करना है and they have given us delta, sorry kb दिया हुआ है. so मैं formula लिख लेती हूँ,
डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी. मैं मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख लेती हूँ. ग्राम्स में है इसीलिए मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो एम टू विल बी वॉट के बी इंटू डब्ल्यू टू इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू वन. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दू, दैट इज 2.16, 0.15. डेल्टा टीबी कितना है अभी? इधर भी अगर तुम लोग केयरफुली देखोगे तो कुछ भी कैलकुलेशंस नहीं है, सिर्फ मुझे पॉइंट्स को एडजस्ट करना है. इसको मैं 216 इंटू 10^2 माइनस 2 लिख लेती हूँ इंटू ये कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा अपॉन 216 इंटू 10^2 माइनस 3 और ये 15. दिस इज वन जा ये 10 हो गया, ये कैंसल. सो ये कितना हो गया 10 इंटू 10^2 माइनस 2, ये ऊपर आएगा तो प्लस 3 हो गया. सो इसका आंसर कितना है 100. सो इट्स आंसर इज डी. कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना था यहाँ पे. ओके, जस्ट बाय यूजिंग स्मॉल ट्रिक्स वी कैन डू इट वेरी इजीली. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कंटेनिंग डिसॉल्व सॉलिड सब्सटेंस. सो सॉलिड को मींस सॉल्यूट को अगर मैंने डिसॉल्व किया इसके अंदर तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? व्हेन वी ऐड सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट, प्योर वाटर के अंदर अगर हम लोग सॉल्वेंट ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है. देयर इज एन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. सो ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस इट ब्रिंग्स व्हाट हैपेंस. व्हेन सेम क्वेश्चन है, सॉल्यूट को मैंने सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज हो जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? इट गेट्स इंक्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, solution boils at temperature of T1. This is for solution. And solvent at T2. Means this is nothing but जो अभी मैंने denote किया था, this is TB naught and this is TB. तो हम लोग क्या करते हैं, TB minus TB naught. So ये क्या हो जाएगा, T1 minus T2. So it is option B. Okay. So let's move on to next MCQ. The molal elevation constant is the ratio of elevation in boiling point to molal elevation constant. KB. Molar elevation constant is the ratio of elevation delta TB upon M na. So it is molality, B option. Next question. The temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure is known as. It is boiling point. At one atmosphere pressure, जो तुम्हारा temperature होता है, that is boiling point. When common salt is dissolved in water, क्या होगा? When common salt is dissolved in water, boiling point of solution increases. Elevation in boiling point for one molar solution of solute is called as. So, अभी जस्ट मैंने तुम लोग को बताया था कि ये फॉर्मूला है अपना, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम. सो इफ दिस इज वन, सो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी,
So that is equal to molal elevation constant. The elevation of boiling point method is used for determination of molecular weight of delta TB is used for determination of molecular weight of non-volatile and soluble solvent. अभी जस्ट हम लोग ने किया ना शुगर को एड किया था तो शुगर कैसा है नॉन वोलेटाइल है एंड इट इज सल्यूबल ऑल्सो. When molal boiling point constant for water is this. So ये क्या दिया हुआ है? This is KB. When 0.1 mole of sugar moles दिया हुआ है. Dissolve in 200 ml of water. So we have to calculate the solution boils. यानी TB calculate करना है. So water है इसका मतलब मुझे मालूम है ना मेरा TB not कितना रहेगा. What will be the TB not? It will be 100 degree Celsius. ठीक है. Now one more thing. यहाँ पे volume दिया हुआ है water का but मुझे usually mass हो चाहिए रहता है W1 चाहिए रहता है. So we know ना density of water is 1 gram per ml. So 1 gram per ml यानी volume is equal to mass and that is equal to 200 grams. Okay. So अभी मुझे calculate क्या करना है TB calculate करना है. So मैं formula पहले लिख देती हूँ TB not TB minus TB not that is equal to KB into number of moles of solute अपॉन डब्ल्यू वन. इफ इट इज इन ग्राम ना ग्राम में है तो ये मेरा 1000 से मल्टीप्लाई होगा. सो टीबी कैलकुलेट करना है. दिस इज 100 केबी 0.513 मोल्स कितना है 0.1 मास कितना है 200 इंटू 1000. So just do this calculations. ये कितना हो गया TB minus 100 that is equal to ये कितना हो जाएगा. This has become 1 0.1 into 10 is 1. So 0.513 divide by 2 it will become how much 0.256. So now TB will become how much 0.256 plus 100. So ये कितना हो जाएगा 100.256 degree Celsius. So इसका option क्या है मेरा C option है. So कुछ calculations करने का जरूरत ही नहीं था. Next question करते हैं. यूनिट ऑफ मोलाल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कॉन्स्टेंट इज ये अभी जस्ट हम लोग ने किया था ना इट इज केल्विन केजी पर मोल सी ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू इज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन. सो अगेन हम लोग क्या करेंगे विल टेक टू बीकर्स. नाउ इन दिस बीकर आई हैव वॉटर एंड इन दिस बीकर आई हैव sugar and water. So now water का जो freezing point है that is TF not and ये जो solution है इसका जो freezing point है ये TF है ऐसा हम लोग consider करते हैं. So this is what freezing point of pure solvent and this is what freezing point of solution. Now this freezes at 0 degree Celsius. Yes, and sugar and water को और ज्यादा अपने को temperature को decrease करना पड़ेगा to get freeze. So ये कितना होगा? It will be below 0 degree Celsius. So TF not is greater than TF. And this is known as freezing point depression. So when we add non-volatile solute in a solvent, freezing point
decreases and that is known as freezing point depression. This is clear all of you? Okay. So now अगर मुझे अभी चेंज कैलकुलेट करना है डेल्टा टी एफ, दिस इज वॉट डिप्रेशन, कितना डिक्रीज हुआ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मुझे कैलकुलेट करना है. सो आई विल डिनोट इट बाय टी एफ. सो ये क्या होगा, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, क्योंकि ये ग्रेटर है इससे. दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके. नाउ अगेन डेल्टा टी एफ is directly proportional to molality. Directly proportional का sign निकल के equal to का sign आएगा, तो kf आएगा into m. Now what is this kf? Depression constant. Molal depression constant. And it is also known as cryoscopic constant. ओके. नाउ मोलालिटी, मोलालिटी यानी क्या होता है, जस्ट अभी हम लोग ने किया ना मोलालिटी का फॉर्मूला. इट इज व्हाट, w2 अपॉन m2 इनटू w1. w1 ग्राम्स में रहेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ कॉन्स्टेंट, ये जो के एफ है इसका यूनिट क्या आएगा, इट इज डेल्टा टी एफ अपॉन एम, सेम यूनिट. दिस इज केल्विन एंड दिस इज मोल पर केजी, तो इसका यूनिट क्या होगा, केल्विन केजी पर मोल. ओके सेम. नाउ इफ मोलालिटी विल बिकम वन, इफ दिस विल बिकम वन, सो टी एफ विल बिकम इक्वल टू के एफ. Okay, so this was about the basic knowledge of freezing point depression. अभी हम लोग क्या करते हैं, इसके MCQ solve करते हैं. So let's move on to MCQ session section. Solute when dissolves in water क्या होता है, boiling point increase होता है, vapor pressure decrease होता है, freezing point decrease होता है. So what happens? Decrease in freezing point of water. It is option C. Freezing point of 1% solution of lead nitrate in water will be. So अभी हम लोगों ने non volatile solute को add किया है water के अंदर. Water का freezing point है 0 degree Celsius. So there will be a decrease in freezing point. So decrease in freezing point याने boiling point जो रहेगा it will be below 0 degree Celsius. So option A. What is the effect of adding sugar on boiling and freezing point of water? So when we add sugar, boiling point increases and freezing point decreases. So which option? C option. Next, during depression of freezing point in solution, equilibrium is attained in what, liquid solvent and solid solvent. So freeze ho raha hai, iska matlab kya hai, water liquid is getting convert to water solid and solid equilibrium aaya hai na, solid wapas se kya ho raha hai, liquid mein ja raha hai. So yahan pe freeze kon ho raha hai, water freeze ho raha hai, sugar to already solid state mein hai. So freeze kon hota hai, water freeze hota hai. So equilibrium किसके बीच में आएगा, लिक्विड सॉल्वेंट एंड सॉलिड सॉल्वेंट, वॉटर के बीच में आ रहा है ना. इक्विलिब्रियम इज अटेंडेड इन वॉटर. सो वॉटर क्या है, वॉटर इज सॉल्वेंट, दिस इज सॉल्वेंट, दिस इज सॉल्वेंट. सो इक्विलिब्रियम इज बिटवीन द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का लिक्विड फेज एंड गैस सॉलिड फेज, इसके बीच में इक्विलिब्रियम आता है. सो देयरफॉर ऑप्शन ए.
इन कोल्ड कंट्रीज इथिलीन ग्लाइकोल इज एडेड टू वाटर इन रेडिएटर ऑफ कार ड्यूरिंग विंटर सीजन. तो ये क्या कर देता है, फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देता है. नाउ फॉर एग्जांपल अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस है तो ये इसका जो रेडिएटर है वो क्या कर देता है, फ्यूल का टेम्परेचर और नीचे कर देता है, मीन्स 0 डिग्री करेगा. तो 3 डिग्री सेल्सियस पे तो फ्रीज नहीं होगा ना फ्यूल. सो इसीलिए सो इट रिड्यूसेस द फ्रीजिंग पॉइंट. सी क्रायोस्कोपिक इज कंसर्न विथ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. इन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट, अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया ना, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई एट फ्रीजिंग पॉइंट नॉट सल्यूट. An aqueous solution of non-electrolyte boils at 100.52 degree Celsius. Freezing point of solution is और KB और KF दिया है. तो अभी मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, molality निकाल लेती हूँ. Aqueous solution है, means it is water. So 100.52 that is TB minus TB naught that is equal to KB M. KB is ये कितना होगा, सो मोलैलिटी इज 1. नाउ आई विल यूज दिस मोलैलिटी टू कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. सो 0 डिग्री सेल्सियस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू KF into 1. So TF will be how much? Minus 1.86 degree Celsius. ये change है. Now for change delta TB या फिर delta TF के लिए अपने को degree से Kelvin में convert करने का जरूरत नहीं होता है. That is same only. Now for example अभी ये है, जैसे इसको अगर मेरे को केल्विन में करना है, अभी तुम लोग सोचोगे ये केल्विन में दिया है तो मुझे इसको पहले केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो मैं क्या करूंगी, 100 माइनस प्लस 273 माइनस 100 प्लस 273. ठीक है, ब्रैकेट्स ओपन करती हूँ. सो ये देखो कैंसिल हो गया. सो अगेन यू आर गेटिंग सेम आंसर. सो वेन एवर देर इज डेल्टा देर इज नो नीड ऑफ चेंजिंग द टेम्परेचर फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, फ्रॉम केल्विन टू डिग्री सेल्सियस. अदरवाइज बाकी सारे यहाँ पे तुम लोग को टेम्परेचर को केल्विन में कंपल्सरी कन्वर्ट करना है. वॉट इज द मोलैलिटी ऑफ इथाइल एल्कोहल in aqueous solution which freezes at minus 10 degree Celsius and KF is given. So, kya aega? 0 minus of minus formula hai na, TF naught minus TF that is equal to KB into M. KB kitna, sorry, KB nahi, KF 1.86. Molality is M. So M will become how much? 1.86 upon 10. तो ये कितना हो जाएगा? 0 sorry 10 upon 1.86. तो ये कितना हो जाएगा, 10 डिवाइड बाय 1.86 कितना होता है? यस ऑल ऑफ यू डू दिस कैलकुलेशंस फास्ट. सो इसका आंसर है सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, KF of water is 1.86.
एंड डेल्टा टी एफ इज 0.1, सॉरी डेल्टा एफ अपने को कैलकुलेट करना है. सो यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है मुझे, डेल्टा टी एफ कैलकुलेट करना है एंड मोलालिटी दिया हुआ है. सो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम. सो दिस इज 1.86 इंटू 0.1, तो ये कितना होगा 0.186, बी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. एन एक्वियस सॉल्यूशन कंटेन 1 ग्राम ऑफ यूरिया, इट कंटेन 1 ग्राम ऑफ यूरिया, यानी ये W2 दिया हुआ है. इट बॉइल्स एट दिस, मीन्स दिस इज TB. एक्वियस सॉल्यूशन कंटेन 3 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज, अगेन W2 दिया है, सेम वॉल्यूम. ओके, सो व्हाट इज टू बी कैलकुलेटेड हियर, यू हैव टू कैलकुलेट दी 3, जो ग्लूकोज का सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है. तो कैसे करेंगे कैलकुलेट, डेल्टा टी बी दैट इज इक्वल टू के बी इंटू एम. सो दिस विल बिकम 60. Now, solvent यहाँ पे सेम है, solvent aqueous है, aqueous, this is aqueous. So KB will be same. Now KB and KF value depends on the solvent. अगर सॉल्वेंट सेम है रहेगा तो केबी एंड के एफ का वैल्यू भी क्या रहता है, सेम रहता है. इफ सॉल्वेंट चेंजेस वैल्यू ऑल्सो चेंजेस. सो केबी ऐसे भी कट होने वाला है और यहाँ पे W1 आएगा, ठीक है. सो ये कितना होगा 0.25, दैट इज इक्वल टू केबी. केबी को मैं ऐसे ही लिख लेती हूँ. So W1 will become how much? KB upon 60 into 0.25. ठीक है, ये मेरा W1 आया मेरे फर्स्ट सॉल्यूशन का, ठीक है. नाउ दे हैव टोल्ड कि वॉल्यूम इज सेम. सो फॉर वॉटर डेंसिटी इज 1, मास एंड वॉल्यूम इज गोइंग टू बी सेम. सो ये ही W1 भी रहेगा सेकेंड सॉल्यूशन के लिए. डेल्टा टी बी दैट इज इक्वल टू के बी इंटू एम. अभी यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ मैं. अपने को टी बी कैलकुलेट करना है. टी बी नॉट विल बी 100 डिग्री सेल्सियस. के बी को मैं के बी ही लिखती हूँ. दिस इज 3, मोलार मास इज 180 इंटू ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ. के बी अपॉन 60 इंटू 0.25. सो दिस विल गेट कैंसल आउट. नाउ टी बी माइनस 100 डिग्री सेल्सियस दैट इज 3 इंटू 60 इंटू 0.25 अपॉन 180. सो दिस इज 1 जा 3 जा 3 3 कैंसल. सो टी बी इज इक्वल टू 0.25 प्लस 100. So that is 100.25. That is C option. Okay. So this was my last question. I hope तुम लोग को ये question समझ में आया रहेगा. Freezing point, boiling point का concept समझ में आया रहेगा. And अगर समझ में आया है तो please like and share my video. And if you have not subscribed yet, please subscribe our channel Catch25 Science Academy for latest video notifications. Okay. Thank you. Take care. पढ़ाई करते रहो, घर पे रहो. Meet you in next video lecture.